पापा करने में लगे हुए हैं, अपना खोलने में लगे हुए हैं पूरा फुल। जैसे नई गाड़ी आती है ना पूरी वैसी हो गई है, और ये थोड़े फॉर्म वॉर्म है जो ख़राब हो रहे हैं। और ये देख के तो मुझे यार एक पल के लिए पता है रॉन्ग टर्न मूवी की याद आ गई थी। हम अपना भी योगदान दे रहे हैं भैया को हेल्प करके। मेरी भी दिहाड़ी कंफर्म करा देना भाई, ठीक है? मैंने भी आपके साथ मदद करी है। सो ही गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बेसिकली बनाने का मेरा कोई खास रीजन नहीं था, अच्छा, बट कल रात को कुछ ऐसा चीज हो गई हमारे साथ जिसके लिए मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा था कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कल पापा की गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, चल झूठ, जिसके वजह से आज वो गाड़ी पूरी की पूरी, क्या कहते हैं, पापा उसमें कलरिंग वगैरह करवाएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। जो भी होंगी यार मैं अभी सब कुछ बता दूंगा, तो फिर एंड तक आप क्या देखोगे, बहुत तेज हो रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, और आप लोग को आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो के अंदर। और हाँ, क्या कहता है, अभी मुझे भी पापा के साथ जाना है, बिकॉज ऑफ पापा के साथ जाने का मेनली रीजन मेरा ये है कि उनको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा व्लॉग भी शूट हो जाएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो बिना देरी करते हुए यहाँ से निकलते हैं, और जाने से पहले थोड़ा बहुत दाढ़ी बड़ी बना लेते हैं, तो क्या थोड़ा इंसान भी लगेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ऐसे जानवर बन के तो जाना नहीं है। तो बीएड वेड बनाते हैं और निकलते हैं। चलिए बाय बाय। So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये देखो शॉप, ये रही, यहाँ पे पापा का ऑटो लगा हुआ है और ये भैया की शॉप है। और अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और अभी मैं अंदर चल के इन भैया से ही बात करा दूंगा जो भी हम लोग काम करवाएंगे आज, ठीक है? और लोकेशन वगैरह जो भी होगी मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। किसी को आके ऑटो या कुछ अदर एक्सेसरीज का भी काम कराना होगा तो वो यहाँ के आ सकते हैं। मैं आप एक और शॉप वाले भैया से मिलवा देता हूँ, चलते अंदर चलते उनसे बात करते हैं। भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद आखिल। और भैया ये शॉप कितनी पुरानी है? ये होगा 10 साल। अच्छा, यहाँ पे मतलब स्पेशली क्या क्या चीजें बनती हैं आप एक बार बताओ? ऑटो को लोहे का सामान सारा, बॉडी पार्ट्स लकड़ी का सारा सामान, और हो स्वीट का सारा सामान, ऑटो का पूरा डेकोरेशन काम होता है हमारे पास। और देखिए अभी भैया कुछ बना ही रहे हैं। और भैया हेल्पर सीट बना रहा हूँ। अच्छा भैया, अगर जैसे किसी को यहाँ पे आना हो तो नियर बाय लोकेशन क्या है? नियर बाय आने के लिए आपको करना पड़ेगा खजूरी आना पड़ेगा। ओके, खजूरी में आने के बाद गाड़ी मैंडू 1 नंबर गली। ओके, नियर बाय देखिए ये मंदिर है, लाल मंदिर के सामने, ठीक है? ये मंदिर है और इसके जस्ट सामने ये शॉप है, ये मंदिर के सामने जस्ट शॉप है। आप यहाँ पे आके भैया से मिल सकते हैं। और जो भी बाकी अभी आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझे कोई कार्ड वगैरह दे देंगे अगर है तो? है, मैं कार्ड जो भी होगा कॉन्टेक्ट नंबर अपनी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और आपको किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए होगी या कुछ भी अगर बनवाना होगा गाड़ी से रिलेटेड, यहाँ पे सारा कुछ बनता है, तो आप भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे से अच्छी डील ले सकते हो। जितना होगा वो वैल्यूबल रेट में सब कुछ बना देते हैं और काम 1 नंबर करते हैं। 1 hour later। तो गाइज गाड़ी पूरी डिसमेंटल हो गई है कुछ भी, और यहाँ पे पार्ट्स बन रहे हैं, ये देखो सीट रिपेयर कर रहे हैं। इसमें शायद फट्टा चेंज होगा ना, इसमें फट्टा चेंज करेंगे, क्योंकि शायद ये थोड़ी बहुत पुरानी भी हो गई ना, और इसके अंदर का फॉर्म भी ख़राब हो रहा है, तो मे भी शायद फट्टा चेंज होगा। और दूसरा भी एक और बनाया इन्होंने कवर, ये रहा जो पीछे वाली गाड़ी का है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये भी डलेगा अभी, तो अभी भैया कर रहे हैं, इन्हें काम करने देते हैं बिना परेशान करे हुए। तो गाइज यहाँ पे भी कुछ सीटें रखी हुई हैं, ये वो सीटें हैं जो क्या कहते हैं आगे ड्राइवर बगल में रखते हैं जिन्हें लोकल में गाड़ी चलानी होती है, और अंदर कुछ वैसा सीटिंग वीटिंग का जो भी बनाते हैं वो काम है। और मैं मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो नोट। पहले तो मुझे लगा ये नोट देख के कि शायद ये कुछ लकी नोट होगा, तो मैंने भैया से पूछा तो भैया कह रहे हैं ये ऐसी है। और ये देख के तो मुझे यार एक पल के लिए पता है रॉन्ग टर्न मूवी की याद आ गई थी। बस हवा निकल गई, उसमें सीन्स बहुत सारे हैं ना ये वाले इस ब्लेड्स के। A few moments later. So
सो गाइस गाड़ी का भी काम होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो अनकवर हो रही है पूरी, और ये शॉप पे यहाँ पे आज पूरा क्या कहते हैं गाड़ी का कवर ववर चढ़ेगा। और अभी देखो कवर पसंद करा गया है, और अभी ये भैया खोल रहे हैं और पापा भी अंदर लगे पड़े हैं खोलने में कि अभी पूरा कवर उतरेगा, उसके बाद इस पर क्या कहते हैं दूसरी गद्दी दूसरे कवर ववर पूरा चढ़ेगा। मीनवाइल पापा करने में लगे हुए हैं अपना, खोलने में लगे हुए हैं पूरा फुल। क्या बोला तूने? सॉरी। अब इसके बाद पापा यहाँ से जाएंगे भी गाड़ी लेकर, और ये भी ऊपर के नट खोल रहे हैं। जैसे नई गाड़ी आती है ना पूरी वैसी हो गई है, और ये थोड़े फॉर्म वॉर्म है जो ख़राब हो रहे हैं, और यहाँ पे ये भी है गाड़ी जिस पे क्या कहते हैं काम हो रहा है। 2000 years later. सो गाइस घर पर आ गए हैं, और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपने घर पर पहुंचा था, और मैं वहां पे ज़्यादा इसलिए नहीं रुका बिकॉज ऑफ वहां पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, जो कि वो गद्दी वाले जो थे जो गाड़ी वाड़ी पूरी सेट कर रहे थे उन्होंने कहा था कि उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा, तो वहां पे रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। अभी गाड़ी हम लोग दे आए हैं और उस पर कलरिंग वलरिंग भी अब हो रही है। चल झूठा। तो जस्ट अभी मैं घर पर बैठा हूँ, अभी मैं खाना पीना खाऊंगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो बाहर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्या बात है सर। तो जस्ट मैं अभी घर पर आया हूँ, अभी खाना पीना खाएंगे और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से अपनी गाड़ी के लिए। शायद थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, और जो भी पूरी गाड़ी प्रिपेयर तैयार होती है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो भी कलरिंग वलरिंग ओके होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी को 2 से 3 दिन बाद पासिंग के लिए भी जाना है। जिसको नहीं पता पासिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं, गाड़ी जो कमर हमारा खाना आ गया है। और यार पता क्या हुआ, सीन ये हुआ था कि पहले सुबह प्लान बना था हम लोगों का कि हम लोग बाहर ही खा लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैं घर आ गया, तो आज मम्मी ने बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया था, और ये अभी बस 10 मिनट में तैयार किया गया। यार सबसे ज़्यादा जुगाड़ी को आम है ये नमकीन चावल जो भी आप कहते हो, ठीक है। तो अब ये आ गया, बहुत भूख लग रही है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं खाना पीना खाता हूँ, और उसके बाद हम लोग अभी शाम में जब निकलेंगे ना मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा गाड़ी का जितना भी काम हुआ है जो जो चेंजेस हुए हैं सबको दिखाऊंगा। अभी पहले फ्री करते हैं खाने को, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। 2000 years later. सो गाइस फाइनली इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे पापा की गाड़ी पेंट हो रही थी, और कल पेंट नहीं हो पाई बिकॉज कल बारिश होने लग गई थी, इस वजह से कल सारा प्लान कैंसिल हो गया था, और आज मैंने शर्ट वर्ट भी चेंज कर लिया। अच्छी लग रही है ना? नहीं। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने लोकेशन पे, और भाई पापा की गाड़ी पेंट हो रही है। अभी मैं चल के आप लोगों को बाहर भी गाड़ी दिखाता हूँ कि कैसे हो रही है पेंट, और प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं और क्या क्या पेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये हो रही है गाड़ी पेंट, और अभी ऊपर वाला पेंट हो चुका है और नीचे पेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ ये इसलिए स्पेशली कराई जाती है ना, इससे क्या गाड़ी में थोड़ी शाइनिंग हो जाती है। ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, देख सकते हो आप। अभी ये जाएगी वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने कल सीट वगैरह आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ जाके पूरी रैप होगी, तो अभी वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। तो देख लीजिए पूरा पीछे भी इंडिकेटर वगैरह भी थोड़ा ढक गए, और पापा देखो बिंदास वहाँ बैठ के अपने दोस्त से बात करने में लगे पड़े। कोई सेंसेस बात? A few moments later. तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये देखो पीछे पेंट हो रहा है गाड़ी का, तो अभी से पेंट होने देते हैं और हम लोग चलते हैं जहाँ पे हमारी गद्दी वद्दी बन रही है, क्योंकि वहाँ पे भी किसी का जाना जरूरी है, क्योंकि बिना हमारे किसी के पहुँचे वहाँ पे वो बिल्कुल सही से क्या पता प्रॉपर तरीके से काम करे ना करे, और उसे बिल्कुल सेटअप भी नहीं पता है कि कैसे कैसे सेट करनी है, कौन सा डिज़ाइन है, तो सब कुछ वहाँ चल के बात करते हैं। वहाँ पे चल के भी अपना काम है, तो निकलते हैं यहाँ से, वहीं चल के आप लोगों से बात करते हैं। बाय। 1 hour later. सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और ये रे अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहीं पे आइए देखो सारे ये भाई अपना काम करने में लगे पड़े हैं पूरा फुल। तो और एक ऊपर भाई हैं, वो देखो वो ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमारे को वहाँ पे जाना है ऊपर, क्योंकि वहीं पे हमारा जो भी है गाड़ी का सारा प्रॉपर काम होगा। अभी हम अंकल से ही बात करेंगे, और ये भाई हैं तो इनसे ही बात करेंगे कब से क्या काम करें, कहाँ पे शॉप है, सब कुछ। तो अब चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रहे वो अंकल, ये ऑनर हैं यहाँ के, इनको थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो ये सारा कुछ इंट्रोड्यूशन ये भाई करेंगे। तो भाई आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 6 साल हो गए भैया। अच्छा, 6 साल हो गए आपको काम करते हुए, और ये मुझे बताइए क्या कहते हैं यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो सबसे बेस्ट लोकेशन क्या है नियर बाई की?
सबसे बेस्ट लोकेशन ये है दुर्गा शिव मंदिर। ओके ओके, सर्विस लाइन पर पड़ता है खंडवी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का काम होता है? यहाँ पे ऑटो का सीट कवर, पेंट और वेल्डिंग वगैरह, डेंटिंग, लाइट डेकोरेशन, इन चीज़ों का काम होता है। ओके, और ये रहे बाकी अंकल, आप जब भी शॉप पे आओगे आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे ये। और यहाँ पे देखो सारा सेटअप वेटअप रखा हुआ है जो भी चलने का। और अभी हम ऊपर चलेंगे, वहाँ पे उन भाई से ही बात करेंगे थोड़ी बहुत। अब चलते ऊपर तो कुछ क्या बात करते हैं। A few moments later. So guys, फाइनली ऊपर आ चुके हैं और देखिए नीचे इतना ऊपर आके मैं बैठा हूँ। भाई किस तरीके से मैं ऊपर आया ना मुझे ही पता है, और ऐसा लग रहा है आसमान की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। और ये देखो अभी हम मस्त काम कर रहे हैं, और अभी इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि इनको कितना टाइम हो गया और कैसे क्या क्या है। तो अभी क्या कहते हैं, फिलहाल मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ और थोड़ा इन्हें भी काम करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं फिर इनसे ही बातचीत करते हैं। Meanwhile, सो अब भैया के पास हम लोग आ गए और भैया बिंदास हमारे काम ही कर रहे हैं। भैया आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हमें हो गया 5 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले भी आप यही काम करते थे? नहीं, इसके पहले हम पर्स का काम करते थे, बैग बनाते थे। अच्छा, तो भैया को यहाँ पे 5 साल हो चुका है। और भैया ये मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे आप ये सारा काम करते हैं तो ये पूरा आपको ऑटो का काम सारा सेटअप पूरा अकेले आता है ना? हाँ जी। तो ये आपने यहीं पे सीखा था कि पहले कहीं और मतलब सीख चुके हैं? पहले मैं बॉम्बे में काम करता था, बॉम्बे। अच्छा, तो मतलब भैया पहले बॉम्बे में काम कर रहे थे, अब यहाँ कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है यहाँ की लोकेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, खजूरी नियर बाय, ये राइड मंदिर जो लाल मंदिर है यहाँ के पास का। और अगर आप लोग आते हो तो इन भैया से ज़रूर मिलना, भाई ये काम अच्छा करते हैं और ये अपना टाइम पे चीज़ें पूरी करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं, इनको काम वाम करने देते हैं यार, क्योंकि इनको भी डिस्टर्ब करना बेकार है, इनको भी बहुत सारा काम निपटाना है। तो भैया आप अपना काम करिए और आपको परेशान नहीं करेंगे। और ये रही हमारी गाड़ी, ये देखो आ चुकी है पूरी तैयार होकर। अब इस पे इसके बाद यहाँ पे पूरा रैप हो गई है। और ये देखो क्या कहते हैं, कुछ चीज सामान है जो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। 2000 years later. So guys, हमारी गाड़ी में भी अब देखो बिल्कुल काम होने लग गया है, देखो ढक रहे हैं। मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ पूरा। आप देख सकते हैं पीछे से हुक हुक लगना स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट गाड़ी रेडी हो चुकी है, बस बाहर बाहर का ही है। और अंदर अंदर की गद्दियाँ वगैरह सब वहाँ पे सेट हैं पूरी, बस लगानी है। आगे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। तो आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है, बस आगे का छावनी रखनी है और बाकी गद्दी वगैरह सब कुछ सेट है, बन चुकी है, बस रखनी बाकी है। A few moments later. भैया इसमें कितना टाइम लग जाएगा कम से कम? 1 से 1.5 घंटा तक का लगेगा इस बार। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा? अच्छा, अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये कह रहे थे ना ये मुलायम होने के बाद खिंचता है तभी टाइट होगा। कुछ भी, हम अपना भी योगदान दे रहे हैं भैया को हेल्प करके। मेरी भी दिहाड़ी कंफर्म करा देना भाई। हाँ। ठीक है, मैंने भी आपके साथ मदद करी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई सैल्यूट करना चाहिए ऐसे भाइयों को, ये इतनी धूप में भी काम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। हम लोग तो अभी मस्त आराम से पंखे के नीचे बैठते हैं, उसमें भी हमें सफोकेशन होती है। बस हवा निकल गई, भैया को काम करने देते हैं, वरना ये हमें बाद में बोलेंगे कि भाई एक तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है ऊपर से दिमाग चाट रहे हो हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Meanwhile, तो गाइस ऑलमोस्ट गाड़ी का काम हो चुका है और देख सकते हो आप गाड़ी प्रॉपर वहाँ पे हो रही है। बट अब हमारे को यहाँ से निकलना होगा बिकॉज ऑफ मम्मी का भी फोन आया था, मम्मी को कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो अब मैं इस यहाँ से जा रहा हूँ और इस के आगे जो भी होगा मैं सारी पिक्स डाल दूंगा गाड़ी प्रॉपर जब रेडी हो जाएगी। ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है बट अभी भी इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो मेरे पास उतना समय नहीं है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं इसकी जो भी होगी फोटोज़ वगैरह सब डाल दूंगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।